हरी अप। ओजोनोलाइसिस इफ यू रिमेम्बर इन एल्कीन फर्स्ट, तभी मैंने कहा पैरेलल स्टडी करो, देन यू विल रिमेम्बर ऑल द रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस क्या था? ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में। हाँ तो कोई भी एल्कीन लो, तो आपने सबसे पहले क्या बनाई थी? कुछ ऐसा बना था इफ यू रिमेम्बर कि यहां से बॉन्ड टूटेगा एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ऑन द बोथ साइड। ठीक है, यही हुआ था, बीच में से बॉन्ड टूट गया था और ये एक एल्डिहाइड बना था और ये भी एक एल्डिहाइड बना था, यही था। अब आपका क्या है? एल्काइन है। एल्काइन में बेटे ये डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। जब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा इसका मतलब यहां पे भी एक बॉन्ड रह जाएगा, समझ रहे हो? यहां पे पहले क्या था? डबल। तो यहां से यहां पे कोई बॉन्ड नहीं था हट के बीच में, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड होने की कारण तो हट के बीच में एक लाइन रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जब आप इसको अलग करोगे तो सिर्फ ये ऑक्सीजन अलग होगी, ये बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों कार्बन अलग नहीं हो पाएंगे, ये दोनों कार्बन अलग नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ओ, नहीं तो ये तो यहां से अलग हो जाना था, होना था ना, यहां से आपने तोड़ देना था। और यहाँ पे कितने एच थे? टू टू थे ईच, ये सी एच टू था, ये भी सी एच टू था। अब ये अलग नहीं होगा, ये साथ में लगा रहेगा, रिएक्शन वही है, मगर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होने के कारण ये बिल्कुल लाइन जो है अलग नहीं होगी। तो ये जो कंपाउंड बना है दिस इज नोन एज ग्लाइऑक्सल, ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लाइऑक्सल। हाँ तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल कीटोन है, एक तरह का एल्डिहाइड्स हैं। आप अलग नहीं कर पाए बस इसको, क्योंकि एक लाइन रह गई, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये दोनों अलग हो जाने थे, हट बननी थी प्रॉपर, ठीक। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, यहाँ पे एक बीच में बेटे लाइन रह जाएगी, गॉट इट? अब लो ऐसे ही प्रोपाइन लो, हरी अब क्या बन रहा है आपका? टेक प्रोपाइन, अब आपने एक बॉन्ड अलग तोड़ना नहीं है, मॉलिक्यूल को अब तोड़ नहीं पाओगे, एक बीच में लाइन रह ही जानी है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बेटे कंपैरिजन स्टडी करोगे जल्दी हो जाएगी, आप अपना चार्ट बनाना शुरू करो, नोट्स आपने एल्कीन की अलग नहीं पढ़नी, एल्काइन अलग नहीं पढ़नी, प्रेपरेशन भी पैरेलल स्टडी करो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पैरेलल स्टडी करो बेटे। प्रिपरेशन में फर्क इतना नहीं है, अगर डिहाइड्रोजनेशन है दोनों में, डिहाइड्रो हैलोजनेशन है दोनों में, पहले जब आप पैरेलल स्टडी करते हो तब ऐसे स्टडी करने का मतलब यह है जो सेम सेम रिएक्शन है उसको पहले लिख लो, जो एक एक आधी डिफरेंट आती है वो नीचे की तरफ लिख लो, जैसे इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो वो अलग से लिखो कि इसमें ये अलग से है, बाकी तो सेम जा रही है, तभी होगा लॉन। क्या बन रहा है? डाइओल बन रहा है। अच्छा दोबारा देखो क्या बन रहा है। ये होगी आपकी प्रोपाइन, ये होगी आपकी प्रोपाइन, यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब यहां पे एक सी एच थ्री एक्स्ट्रा लगा हुआ है,
तो इसे क्या बोलोगे? देखो ये जो साइड वाला ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, ये बीच वाला ग्रुप हो गया कीटोन, ठीक है? तो ये टू ऑक्सो प्रोपेनल हो गया। जब कीटोन ग्रुप एज मेन ग्रुप नहीं होता, एक साइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, हम कीटोन और एल्डिहाइड से कीटोन को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, एल्डिहाइड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है? तो जो कीटोन है उनको प्रीफिक्स की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं। या आप कीटो बोल दो या आप ऑक्सो बोल दो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है? कीटो ऑक्सो जो मर्जी बोल सकते हो। इट इज टू ऑक्सो प्रोपेनल या टू कीटो प्रोपेनल, जो मर्जी बोलो। यहां से काउंटिंग करोगे तो इट इज टू ऑक्सो प्रोपेनल, गॉट इट? ठीक है, बॉन्ड नहीं तोड़ना बस। अगर यहाँ पे ही हमारी प्रोपीन होती तो हमारे पास यहाँ पे एक एसिटाल्डिहाइड बनता, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनता, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाना था। तो एक ये वाला एल्डिहाइड बन जाना था, एक ये वाला। अब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं है तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और इंटैक्ट ही रह जाएंगे और साथ में ये जुड़े रह जाएंगे। समझ आई? ऐसी लो, अब लो ब्यूटाइन, लो हरी अप, ब्यूट टू आइन लो, हरी अब क्या बन रहा है, जल्दी बनाओ। अभी नहीं, ब्रांचिंग वाला नहीं होगा इसमें, क्योंकि तो इसके ब्रांच बन नहीं हो सकते। ठीक है, क्या बना? टू मोल्स तो बन ही नहीं सकते, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। बॉन्ड टूटना ही नहीं है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। यही ब्यूट टू इन होता तब आपका आंसर ये होना था। अगर ब्यूट टू इन होता तब क्या होना था? तो बीच में तोड़ते तो दो एल्डिहाइड बन जाने थे, एसिड एल्डिहाइड। तो अब आयन था, आयन में बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, ईन में बीच में से बॉन्ड तोड़ दोगे, दैट्स इट। अगर ईन होता बेटे तो आपके पास टू एसिड एल्डिहाइड बन जाने थे। अगर अब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो टू थ्री डाइऑन बन जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ बेटे, एसिडिक नेचर। हाँ हाँ ऐसे ही आएगा। अब पता नहीं कैसे आएगा। नेक्स्ट बेटे एसिडिक नेचर, हरी अप। हमने कर लिया एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में हमने एसिटाइलीन लिया था। लो एसिडिक नेचर, व्हाई एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर? बिकॉज एल्काइन आर एसपी हाइब्रिडाइज्ड, ठीक? सो एस करेक्टर इज 50%। मोर इज द एस करेक्टर, मोर इट इज नियर टू न्यूक्लियस, ठीक है? इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाती है। अब एल्काइन की एसिडिक नेचर प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले किसके साथ एक्ट किया था? सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, याद है? याद नहीं है, साफ है, ठीक है? हाँ, तो सोडामाइड धुंधला धुंधला याद है? धुंधला धुंधला याद है।
तो आपने ये लिया था बेटे, सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। तो ये जो एच है, एज एन एच प्लस निकल जाता है, दैट इज एसिडिक नेचर। ठीक है, इफ यू विल टेक अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडा माइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटाल्डिहाइड चिराग। ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा इसको हमने किस में यूज किया था, इफ यू रिमेम्बर, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, प्रेपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, एंड इट्स दिस एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको हमने किसके साथ एक्ट किया था, फर्दर हेलो एल्केन्स के साथ। तो हमें क्या मिला था, हायर एल्काइन्स। आदित्य, अब आप रिएक्ट करो बेटे, टॉलन रिएजेंट, टेक टॉलन रिएजेंट। हरी अब ये रब मत करो, क्योंकि जो करवाया हुआ है वो ही कह रहे हो कि रब मत करना, फिर हमारा क्या बनना लोगे। अमोनियम सॉल्ट बेटे, टॉलन रिएजेंट होता है अमोनियम सॉल्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया जाता है, तो एक रिएजेंट बनता है जिसे हम कहते हैं टॉलन रिएजेंट। और ये हम 12th में एल्डिहाइड कीटोन्स में बहुत बड़े यूज करने वाले हैं। ये एक एल्डिहाइड कीटोन्स की जब आप डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हो तब आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज अ टॉलन रिएजेंट, दिस इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद NH4OH। ठीक है, समझ आ रही है। अब ये लिया, इसमें भी ये एसिडिक नेचर शो करता है। ये जो सिल्वर है ये दोनों एच रिप्लेस हो जाएंगे, ये दोनों एच रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी जगह पे यहाँ पे सिल्वर आ जाएगा। अब ये रिएक्शन एज सच बेटे नहीं आती, कोई भी कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव वाइट पीपीटी विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या लिखा होगा टॉलन रिएजेंट। अगर वाइट पीपीटी दे रहा है तो कोई एल्काइन है, ये जो बना है ये वाइट पीपीटी देगा, ना एल्कीन देगा ना आपको एल्केन्स देंगे। ये सिर्फ एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी है, एल्काइन की। अगर वाइट पीपीटी आपको मिल रहे हैं इसका मतलब ये सिर्फ एल्काइन ही रिएक्ट कर रहा है, समझ आ रही है। सिल्वर नाइट्रेट में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो टॉलन रिएजेंट बना। इस टॉलन रिएजेंट को जब आप एल्काइन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको कौन से पीपीटी मिलते हैं, वाइट पीपीटी मिलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में वाइट पीपीटी मिल रहे हैं तो आपके सिलेबस में सिर्फ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, तो वाइट पीपीटी विद टॉलन रिएजेंट सिर्फ एल्काइन देगा। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन लिखी हो एग्जाम में, वाइट पीपीटी दे रहा है तो ये, समझ आ रही है। अगर 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइन है, अगर 2-4 कार्बन वाला है तो ब्यूटाइन है, अगर 5 कार्बन वाला है तो पेंटाइन है। क्या है, एल्काइन है, समझ आ रही है। ओके, अब सिल्वर की जगह पे कॉपर लगाओ, जहां पे सिल्वर लिखा है मैंने, और रिएक्शन लिखो, क्या बनाओगे, हरी अप। सिल्वर की जगह पे बेटे कॉपर लगाओ, हरी अप। जहां जहां सिल्वर है वहां वहां कॉपर कर दो। सब कुछ सेम, टॉलन रिएजेंट। इसमें सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया जाता है तो ये बनता।
ये जो बना हुआ, इसे टॉलर रिएजेंट कहते हैं बेटे। नेम नहीं आ, फिर ये कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, इसको बोलेगो डाई अमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। यू विल डू इन क्लास 12, इसको टॉलर रिएजेंट याद रखो। कॉपर लग गया। अब जब कॉपर होगा तो जैसे व्हाइट पीपीटी मिले हैं सिल्वर के साथ, अब आपका रिजल्ट आएगा रेड पीपीटी। राइट डाउन, जो रिजल्ट आएगा वो रेड पीपीटी आएगा। जब आप सिल्वर की जगह पे कॉपर लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रेड पीपीटी। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला C2H2 फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन हो, ठीक है, गिव रेड पीपीटी विद कॉपर डाइमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड या टॉलर रिएजेंट के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, तो आपका ये एल्काइन है। समझ आ रही है क्या? नहीं समझ आ रही है बेटे? ये सीधे सीधे रिएक्शंस नहीं आते हैं। जहां पे कोई कलरेशन आती है तो आपको सीधा कुछ नहीं पूछा जाता पेपर में, हमने आपको देना है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको व्हाइट पीपीटी दे रहा है किसके साथ, ये वाला बताओ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब याद रखना है, व्हाइट और रेड पीपीटी आपको सिर्फ एल्काइन देंगे, सिर्फ एंड सिर्फ। उसके पहले जो डिस्टिंग्विश टेस्ट करे हैं वो आपने एक डोमिनेशन किया है जिसमें आपने रेडिश ब्राउन कलर, वो एल्कीन और एल्काइन का दोनों का जाता है। मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन का कलर चला गया, तो इसका मतलब वो एल्केन नहीं है, वो एल्कीन या एल्काइन है पहली बात। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि ये व्हाइट पीपीटी दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट या टॉलर रिएजेंट के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है कुछ भी, तो आपके हिंट आना चाहिए ये अब एल्कीन नहीं रह गया, अब ये एल्काइन बन गया। समझ आ रही है? या क्वेश्चन आता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो, जब ओजोनोलाइसिस वर्ड आए तो आपके माइंड में कभी भी एल्केन नहीं आएगा, ओजोनोलाइसिस एल्कीन और एल्काइन जाते हैं। मान लो आपके लिखा होगा ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 moles of aldehyde, 2 moles of ketone, 1 mole of aldehyde, 1 mole of ketone, इसका मतलब ये एल्कीन है, क्योंकि अगर एल्काइन होता तो सिर्फ 1 mole मिलता है, बॉन्ड टूटता नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओजोनोलाइसिस से 1 mole ही दे रहा है, 2 moles नहीं दे रहा है, then it is alkyne. If it is giving 2 moles of aldehyde, 2 moles of ketone, 1 aldehyde, 1 ketone, तब आपकी alkene है। समझ आ रही है? ऐसे दिमाग चलते हैं organic में, सीधा कोई कुछ नहीं पूछता आपसे, सीधे सिर्फ 3-4 marks के लिए पास करने के लिए पूछे जाते हैं कि अगर जो बच्चे हैं जो हमारे थोड़ा सा वीकर ग्रुप है उसको कैसे हमने आप लिफ्ट करना, अदरवाइज जो JEE वाले बच्चे हैं वो सीधा कभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जी इसके पेपर उठा के देखो, आपको सीधा कुछ नहीं मिलता वहां पे, कोई इंटरमीडिएट पूछा होता है, कोई प्रोडक्ट पूछा होता है, ऐसे ही कुछ आना। ठीक, अब आगे लास्ट सेक्शन आ गई बेटे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन अगर आपको याद हो, आपने एक बारी बेंजीन बनाई हुई है पॉलीमराइजेशन से, कब बनाई थी? एक आपने एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करी थी, इफ यू रिमेम्बर। किस में करी थी? एल्केन में। हाँ, एल्केन में करी थी। क्या रिएजेंट लिया था? क्या रिएजेंट लिया था? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, 773 केल्विन टेम्परेचर पे आपने एरोमेटाइजेशन करवाई थी, जिसमें आपसे एल्केन से क्या बनी थी, बेंजीन। अब हम एल्काइन से तो बेंजीन इजी बना सकते हैं, 3 mole लो इथाइन के, 3 moles लो, हरी अब 3 moles लो एल्काइन के और एरो के ऊपर लिखो रेड हॉट आयरन, 3 moles ऑफ एल्काइन जो कि आपकी इथाइन। हॉट आयरन CH
ट्रिपल बॉन्ड सी एच तीन लिख लो आप, तब भी गलत नहीं है। अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं, बन गई बेंजीन। बस हो जाते हैं बेटे। ज्यादातर आप देखोगे एल्केन और एल्कीन में ना या तो 773 जब ये एरोमेटाइजेशन और ये होती है, या 5 के अराउंड 523 टू 573 अराउंड चलते हैं टेम्परेचर, ये चलते हैं एरोमेट। हाँ अप्रोक्सीमेटली यही चलते हैं ज्यादातर। आप एरोस के ऊपर देखना 443 440, ये थ्री वर्ड बाई बाई रिपीट होगा, 523 573 773 ये बाई बाई रिपीट होता है। जब रेड हॉट की बात कर ली है इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज बेंजीन, दीज आर कार्बन एंड दीज आर हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी जगह पे बेटे आप ऐसे करो, प्रोपाइन ले लो, प्रोपाइन ले लो, तो जो प्रोपाइन की साइड वाली कार्बन है ना वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यहां पे ये जो कार्बन होगी देखो यहां पे क्या कार्बन आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब इस कार्बन को साइड पे ही रखना है आपने, यहां पे लटकाओ साइड पे। करो बनाओ, और आ जाएगी इथाइल आ जाएंगे, वो आगे है ही नहीं, रिएक्शन बस दो ही है। थ्री मोल्स ही लोगे बेटे, क्या बड़े बेटे, या तो नेमिंग रिएक्शन आती है सीधा, या कन्वर्जन आती है, या कंप्लीट द रिएक्शन आती है। थ्योरी फिजिकल में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से थ्योरी पूछी जाती है, वो देनी हमने आपको, पास नहीं करवाना। जैसे आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन होगा, डाइपोल मूवमेंट पे क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बेटे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपकी सिलेबस में है ही नहीं, ना वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म आपकी सिलेबस में है। एक्चुअली इस बारी सिलेबस में प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स ही नहीं है, फिर भी आपको वुड्स रिएक्शन करवाई गई है क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में आपको काम आनी है, अदरवाइज प्रेपरेशन आपकी एल्केन में नहीं है। सिलेबस देखो आप अपना, नहीं है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी डिलीटेड है इस बार। क्या कॉल बेस तो करवाया आपको, तीनों करवाए, कौन सा फ्रैंक फिंकलस्टीन, मैं तो कभी सुना नहीं फ्रैंकलेट। चलो ये होगी रिएक्शन, अब नेक्स्ट लो बेटे अगेन टू मोल्स ऑफ इथाइन, लो टू मोल्स ऑफ इथाइन,
अब इसकी पॉलीमराइजेशन कुछ इस वे में होगी बेटे, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के बीच में आ जाएगा, बनाओ क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? करो करेगा दूसरी पॉलीमराइजेशन में बनता है, वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर डालना पड़ता करके देखो, हो जानी अपने आप। कार्बन उठाओ ना आप अपना, क्या क्यों